एक और जहां जिला प्रशासन द्वारा शहर के सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है, तो वहीं जैन श्वेतांबर और श्री नवकार परिवार का आज 2577वां शासन स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इंदौर में जहां एक ओर सख्त से जनता कर्फ्यू का पालन करवाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जैन समाज द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते नजर आए। अपने गुरुओं का अभिवादन करने के लिए बड़ी संख्या में अनुयायी दर्शनों के लिए सड़कों पर उतरे। इस दौरान नियमों की अनदेखी की गई और धजिया प्रशासन द्वारा जहां धार्मिक स्थल बंद किए गए हैं, वहीं जैन समाज के गुरु जब बाहर निकले तो समाजजन भी देखते ही देखते रोडों पर आ गए और सख्त कर्फ्यू के उल्लंघन करने से भी नहीं रुके। यह सब नजारा पुलिस देखती रही और पुलिस ने धातु गुरु जी को और न ही जैन समाज के लोगों को रोकने की कोई भी कोशिश की। मामले की अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं इंदौर से हमारे संवाददाता परवेश खान से। तो परवेश जी बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, जहां एयरपोर्ट जिला प्रशासन द्वारा शहर के सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया गया, वहीं आज श्वेतांबर जो है और नवकार परिवार का 2577वां शासन स्थापना दिवस मनाया गया है। इसमें इन दोनों जहाँ पर
कोरोना कर्फ्यू की जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, जहाँ पूरा सख्ती से पालन किया जा रहा है, वहीं इन्होंने इसका उल्लंघन करते हुए प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए नजर आए हैं। काफी मात्रा में, भारी मात्रा में लोग धर्म गुरुओं का अभिवादन करते हुए और तमाम सब चीजें एक्टिविटी करते हुए नजर आए हैं इंदौर। जी परवेश, जिस तरीके से इंदौर में जिला प्रशासन द्वारा 10 दिन का टोटल लॉकडाउन लगाया गया है, काफी सख्ती भी पुलिस द्वारा बरती जा रही है, प्रशासन भी काफी सख्त नजर आ रहा है, लोगों को इवन किराना दुकान से सामान खरीदने की परमिशन भी नहीं दी गई है, और इसी बीच में इस तरीके से धर्म गुरुओं का अभिवादन करने के लिए लोगों का इकट्ठा हो जाना कितना सही और कितना गलत है? देखिए जी, जिस तरीके से इंदौर ने अभी सेकंड वेव को भोगा है, भुगता है, उसके बाद इस तरीके का आयोजन करना है काफी घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अभी आज ही 800 के आसपास कुछ आंकड़े अभी अभी शहर में आने लगे हैं, जो कि काफी अच्छी खबर थी, और इसी को लेकर जब मुख्यमंत्री आए थे और जीतू जुराती ने उनको एक सब्जी मंडी का फोटो दिखाया था, उसी को लेके 10 दिन की सख्ती करी थी ताकि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में कुछ अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन आज इन्होंने जिस तरीके से ये गलती करी उसको देखते हैं कलेक्टर महोदय इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, क्योंकि काफी सीरियस मैटर है ये, कोई नॉर्मल मैटर नहीं। प्रवीण जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पुलिस कर्मियों के सामने इस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, तो किस प्रकार की आगामी कार्यवाही की बात कही जा रही है? धज्जे तो उड़वाई कभी इसमें देखना है कलेक्टर और पुलिस प्रशासन इसमें क्या वो एक्टिव संज्ञान लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इन्होंने उल्लंघन तो किया हुआ है, आप देख सकते हैं काफी जो मात्रा में लोग इन रोड पर हैं और उनके धर्मगुरु निकल रहे हैं, वो उनको अभिवादन कर रहे हैं, तो प्रोटोकॉल तो काफी तोड़ा है इन्होंने, अब क्या कार्रवाई होती है पुलिस प्रशासन और शासन इस पर निर्णय ले सकता है। जी परेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।